أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں, ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم بذات ہے, اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند, اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ, وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے, اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے, اسی کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ممتد ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں, اور وہ بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے. یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی, جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس کا نام آیت الکرسی ہے, آیت الکرسی کہلاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک چوٹی کا حصہ ہوتا ہے, اور قرآن کریم کی چوٹی کا حصہ سورۃ البقرہ ہے, اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کریم کی سب آیات کی سردار ہے, اور وہ آیت الکرسی ہے. اسی طرح یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھ کر سوئے صبح تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آتا. ان آیات میں سے ایک آیت آیت الکرسی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا صرف اس لیے کسی حد تک نہیں ہے کہ پڑھ لی اور سو گئے, اس کا مطلب یہ ہے
कि इस आयत को और इन आयात को गौर से पढ़ा जाए, उन पर गौर किया जाए, इन बीमारी पर गौर किया जाए, फिर इंसान अपना जायजा ले और देखे किस हद तक इन पर अमल करता है, किस हद तक उसमें पाक तब्दीलियां हैं, और जायजा लेने के बाद जो भी सूरत हाल सामने आए ये अहद करे कि आइंदा से ये पाक तब्दीलियां मैं अपने अंदर पैदा करूंगा। फिर ये चीज है जो शैतान से दूर करती है। जिन 10 आयतों का जिक्र किया गया है, इनमें से पहली 4 आयात जो हैं वो सूरह बकरे की पहली 4, इनमें से 4 आयात सूरह बकरे की पहली 4 आयात हैं, जिनमें एक मोमिन की पाकीज़ा अमली जिंदगी का नक्शा खींचा है। और जैसा कि मैंने कहा, एक आयत आयतुल कुर्सी है और उसके साथ की 2 आयात हैं जिसमें सिफात बारी का नक्शा खींचा गया है। फिर सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात हैं जिनमें से आखिरी आयत की वजाहत मैंने गुज़श्ता जुमे में सलाम के की तस्वीर की रोशनी में की थी। गो इस वक्त मज़मून तो आयतुल कुर्सी का ही बयान होगा, लेकिन इससे पहले सूरह बकरा की पहली 4 आयात में से अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल मुत्तकीन के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जो तस्वीर बयान फरमाई है उसमें से एक इक्तिबास पढ़ूंगा। जो अल्लाह ताला के पाक कलाम कुरान करीम की वसुतों की तरफ, उसको समझने की तरफ हमारी रहनुमाई करता है, और जिसको ध्यान में रखते हुए कुरान करीम को समझना आसान भी है और सही तरह समझ सकता है इंसान। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तक किसी किताब की इलल अरबा कामिल ना हो, वो कामिल किताब नहीं कहला सकती। इलल अरबा का मतलब है कि 4 बुनियादी खुसियात और वजूहात ना हों जिनमें, तो ये 4 बुनियादी खुसियात कामिल हों तभी वो किताब कामिल कहला सकती है। आप फरमाते हैं इसलिए खुदा ताला ने आयत में इन आयात में कुरान शरीफ की इलल अरबा का जिक्र फरमाया है और वो 4 हैं। नंबर 1 इल्लत फाइली, नंबर 2 इल्लत मादी, नंबर 3 इल्लत सूरी और 4 इल्लत गाई। फरमाया कि हर 4 कामिल दर्जा पर हैं। बस अलिफ लाम मीम इल्लत फाइली के कमाल की तरफ इशारा करता है, जिसके माने हैं कि अनल्लाहु आलम, यानी कि मैं जो खुदाए आलमुल गैब हूं, मैंने इस किताब को उतारा है, बस क्योंकि खुदा इस किताब की इल्लत फाइली है इसलिए इस किताब का फाइल हर एक फाइल से जबरदस्त और कामिल है। बस कुरान करीम के कामिल किताब होने की सनद और गैरों को चैलेंज इब्तिदा में ही इन 3 हरूफ में खुदा ताला ने दे दिया। इस पर ईमान लाने वालों को किसी भी किस्म का खौफ और एहसास कमदी नहीं होना चाहिए, किसी किस्म के खौफ और